कोरोना वायरस पर काबू पाने का मिशन, वजीर तालीम और आज़ाद का कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल बंद करने का फैसला। स्कूल असातिज़ा स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करा। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान की 15 सितंबर तक तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों, टीचर्स और स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम असातिज़ा वैक्सीनेटेड हैं इस वक्त और हमारे सर्टिफिकेट भी स्कूल में मौजूद हैं। SOPs नजरअंदाज किया, वायरस फिर तगड़ा हो गया। मुल्तान और रहीमयार खान में मस्बत केसेस की शराह 11% रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में एक ही रोज में 403 केसेज सामने आ गए। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में 68 केसेज रिपोर्ट। रहीमयार खान में 49, बहावलपुर 47 और रिजी खान में 33 अफराद मुतासर। सरगोधा में 21, खानेवाल 19, मियांवाली में 15 अफराद वायरस का शिकार। भक्कर में 13, बिहाड़ी 8, लैया 6, बहावलपुर, लोधरा, राजनपुर और साहिबाल में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचाने वाले इदारे कोरोना फैलाने का सबब बनने लगे। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल जामपुर में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। भक्कर में वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों का रश बढ़ गया। कोटद्दू में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सहूलियात का फकदान। वैक्सीन लगवाने के लिए नोटिसेज, शहरियों का रश लगने पर अमले की कमी, खातीन और मर्दों की कतारें बन गई। DHQ अस्पताल बिहाड़ी के इमरजेंसी वार्ड में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर कायम। शहरी किसी भी वक्त वैक्सीनेशन काउंटर पर वैक्सीन करवा सकेंगे। उधर DG खान में मोडर्ना वैक्सीनेशन की किल्लत। ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सरापा एहतजाज। अस्पताल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, वैक्सीनेशन लगाने का मुतालबा। खानपुर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना की कार्रवाई। वैक्सीनेशन न करने पर 5 बसों समेत 14 गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले भी गिरफ्तार। 10,000 रुपए जुर्माना। एक पेट्रोल पंप और 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया। मुल्तान में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। आवाम की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में 241 मरीज जा पहुंचे। निश्तर अस्पताल में 74, चिल्ड्रन अस्पताल में 110, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 25 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 31 मरीज लाए गए। मुल्तान में बारिशों के बाद दर्जा हरारत में कमी। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ गया। डेंगू के खतरे के पेश नजर महकमा सेहत की जानब से अलर्ट जारी।